हाँ जी नमस्कार राधे राधे। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र पे। तो सामुद्रिक शास्त्र में जो पैरों पे हम आते हैं, तो अगर पैरों में आपका जो बनावट है वो ऐसी है कि अंगूठे से धीरे धीरे घटते क्रम में सारी उंगलियां आ रही हैं, अंगूठा बड़ा, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि दूसरों पे अधिकार जमाने वाले होते हैं। ये लोग चाहते हैं कि दूसरे, चाहे जितने ये टैलेंटेड हो या ना हो, इनके व्यक्तित्व को ज़्यादा बड़ा करके मापा जाए। ये जो कहते हैं वो बातें लगभग फाइनल समझे जाएं, अगर नहीं समझे जाएंगी तो परेशानी आएंगी। तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो होता है वो थोड़ा सा आक्रामक होता है, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि हमारे घर में सारे लोग हमारी बात माने, चाहे घर में मैं छोटा ही क्यों ना हूँ। तो अधिकार की भावना ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। यदि आपके पैरों का शेप ऐसा ही है, पैरों की बनावट अगर आपकी ऐसी ही है, तो ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। और खुदा न खास्ता अगर आपके जीवन साथी के भी पैरों में यही लक्षण दृष्टिगोचर हो गए, अगर यही लक्षण आपके जीवन साथी के पैरों में भी हैं, तब आप मान के चलिए कि फिर जूते में ही दाल बटेगी। फिर आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा अत्यंत तनावपूर्ण होगा, और संभावना ये भी बनती है कि फिर आप जीवन साथी के साथ नहीं रह सकते, और अंत में आपको अलगाववाद, तलाकवाद, माने तलाक लेना पड़ेगा। जीवन में पति पत्नी के साथ रहने के योग कम बनते हैं। तो अगर आपके पैरों में इस तरह के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अभी आप अविवाहित हैं, तो कृपया कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। नहीं तो अधिकार की जो भावना है, मैं कहूँ तो सास लो, मैं कहूँ तो सास छोड़ो, ये वाली भावना आपके दाम्पत्य जीवन को नरकी कर देगा और अंत में तलाक की स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। सामुद्रिक शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, अतः इसके जो लक्षण शास्त्रकारों ने बताए हैं उनको समझें, उनको अंगीकार करें। इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा।